संगीता सिंह ने घर पर भीषण चोरी के मामले में किया प्रेस वार्ता। गोरखपुर हाटा बेलीपार की रहने वाली संगीता सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात में काम राज कर गुजारा करते हैं। थाना बेलीपार हाटा में स्थित पुश्तैनी मकान पर जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, चोरों ने खिड़की काटकर मकान के पीछे रास्ते से दरवाजा तोड़कर दिनांक 21/8/2024 को अज्ञात चोरों द्वारा लूटपाट किया गया। कैमरा बंद होने पर प्रार्थिनी को शंका हुआ। प्रार्थी ने बगल के लोगों से फ़ोन कर बताया कि जरा हमारे घर का कैमरा बंद आ रहा है, जरा आप लोग देख लीजिए सब ठीक तो है। जब लोग वहां पहुंचे तो उनके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उनके घर का बेशकीमती सामान के साथ घरेलू सामान, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, इन्वर्टर, बैटरी सहित सारा सामान को चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसकी सूचना पीड़ित ने थाना बेलीपार पर जाकर दी। बेलीपार थाने द्वारा मामूली धाराओं में बेलीपार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे प्रार्थिनी का सामान मिल सके, जिसके लिए पीड़ित चोरों की गिरफ्तारी के लिए दर दर भटक रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उच्च अधिकारियों से मांग करती है कि चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर हमारे सामान की बरामदगी की हो, जिससे हमें न्याय मिल सके और चोरों पर कठोर कठोर कार्रवाई की जाए। हाटा से आई हूँ, संगीता सिंह नाम है। वो थी मेरे घर में चोरी हुई। कहाँ पे मकान है आपका? हाटा में, बेलीपार। 24 तारीख को पूरा चोरी हो गई थी। हाँ, क्या कार्रवाई की? वही दिखा, कुछ नहीं हुई, कोई पूछताछ करने नहीं, बस दो दिन गए। ऐसे दरोगा जी बोल रहे थे कि 4 दिन में अगर चोर नहीं पकड़ा जाएगा, सामान नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी मेरे मुंह पर ही बोले थे। नहीं, का वो कागज दिए हैं वही, बस लिख रखे हैं ना भाई। मुकदमा दर्ज है। घर में जो चोरी की घटना हुई, पहली बार हुई है? दूसरा बार है। इसके पहले कब हुआ था? 28 अगस्त को, एक साल हुआ, 23 को। वो तिजोरी बस तूरे थे, उसमें कम से कम 2 लाख की गहना थी। हाँ, मंगलसूत्र थे। इस बार तो अनाज पानी गहना तो बहुत कम था, उसमें से रखी थी अनाज पानी, इन्वर्टर, फ्रिज, मानो कुछ नहीं। गेहूँ 10 कुंटल, 1 कुंटल सरसों, चावल थोड़ा था, यही अनाज था। सिलेंडर, 2 सिलेंडर, ये फ्रिज, इन्वर्टर, टीवी, साड़ी, 35 साड़ी थी। हाँ, ओढ़ने की रजाई हो जाए तक ले गए। हाँ, विदेशी, उनके मामा, हमारे बहू की मामा विदेश रहते हैं, तो ओढ़ने के ठंडी में। अच्छा, कैमरा वगैरह लगा था आपका? चार कैमरा लगा था। कुछ नहीं, इतना होशियारी से कैसे गए उसमें आया ही नहीं। आए जाते घर में तोड़ने के बाद 4 कैमरे की वायर निकाल दिए, केवी कनेक्शन निकाल दिए। पहले कनेक्शन निकाला। हाँ, अभी हम क्या करते हैं? चाहती हूँ कि पुलिस चोर पकड़ा जाए, मेरी सामान मिले। आने से जब आपको रिस्पांस नहीं मिला, हाँ, तो आप नहीं अधिकारी के पास गई? नहीं, कोई पुलिस अधिकारी के पास नहीं गई, वो कोर्ट में गई। कोर्ट में वकील साहब बोले कि हम ऑनलाइन करा देते हैं, 2-3 दिन में सब मिल जाएगा। कल बोली थी कि कप्तान साहब के पास जाऊं, सब कोई मनो सलाह दिया कि कप्तान साहब पास जाइए, बहुत अच्छे हैं। तो ये बोले 2-3 दिन देख लीजिए, हम ऑनलाइन कराया हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, 2 बार चोरी हुई है, अब तक टोटल कितने का जो है अमाउंट अगर देखा जाए? 5 लाख, 3 इस बार का, 2 लाख उसका, उस बार का। सामान? सामान तो कुछ है ही नहीं, सब चीज लेकर, सामान लेकर। क्या चाहती हैं आप? यही चाहती हूँ, चोर पकड़ा जाए, मेरा सामान मिल जाए, उसको सजा मिले। किसी अधिकारियों से मिली आप? नहीं। किसी
किसी अधिकारी किसी से नहीं, किसी से नहीं। अच्छा आप उस जहाँ पे आपका मकान है वो मतलब अगल बगल के मकान नहीं नहीं अकेला है, हाईवे रोड पर अकेला सामने रोड उस ओ, उ, हाँ आबादी है मेरे घर का सामने एकदम हाईवे पर ऐसे हाईवे पर घर बनाए और थी फोर लाइन के पैसा मिली थी उसी में घर बनाए उसी पैसे से। शादी जब तो उस समय आप कहाँ रहती थी? सूरत रहती हूँ। हाँ यहाँ जमीन में क्या? हाँ हमारी खेती है, खेती में। हाँ खेती है पुस्तैनी में। हाँ पुस्तैनी में बनाई हूँ। संगीता सिंह।